परेशान जनता के दर्द को अपना आंदोलन बनाने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ भारत बंद बुलाया था, पर मकसद चुनावी सीजन में माहौल बनाने का भी छिपा था। पूरे दम से भारत में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश का मिला जुला असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला और मामले पर सियासत भी खूब हुई। पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर पॉलिटिकल वार, कांग्रेस के भारत बंद पर सियासी बोल, जनता की सुध नहीं, चुनावी माहौल में बस जुबानी जंग। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत आम आदमी की कमर तोड़ रही है तो सियासत को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने भारत बंद का ऐलान किया, कहीं ट्रेन रोक दी गई, कहीं धरना प्रदर्शन किया गया, कहीं अनोखे तरीके से विरोध किया गया, पर मकसद यही था कि सरकार के सामने शक्ति प्रदर्शन और दबाव की राजनीति। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का असर यूपी के शहरों के साथ ही सियासत में भी खूब देखने को मिला। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जीपीओ से हजरतगंज तक मार्च निकाला। मिले जुले असर में भी कांग्रेस को सियासी संजीवनी नजर आई। बेशर्म सरकार है, ढीठ सरकार है, दो दिन की कार्यकारिणी उनकी रही है, दो दिन की कार्यकारिणी दिल्ली में रही है और उस कार्यकारिणी के अंदर इन्होंने महंगाई के बारे में कोई बात नहीं की। इन्होंने किसी भी तरह का की तेल की कीमतों के बढ़ते हुए कोई बात नहीं की। इन्होंने राफेल जैसे घोटाले पर कोई चर्चा कोई परिचर्चा नहीं हुई। इससे मैं कहता हूँ शर्मनाक और क्या हो सकता है कि जनता के मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यकारिणी में उसके मुद्दों को लेकर नहीं चल रही, उस पर बातचीत नहीं करती है। कांग्रेस ने जहां जी जान से बंद को धार देने की कोशिश की तो सीएम योगी ने कहा कि लोग हताश और निराश लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हताश और निराश विपक्ष, जिसमें नेतृत्व नहीं, जिनके पास कोई नीति नहीं, जिनके पास आगामी कार्यों के लिए कोई रणनीति नहीं, उस विपक्ष से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष अपनी नकारात्मक भूमिका को छोड़ करके सकारात्मक भूमिका में रहेगा तो अपनी प्रासंगिकता को बनाए रख पाएगा, अन्यथा आने वाले समय में उनकी ये नकारात्मकता उन्हें विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस पूरी तरह से नाटक कर रही है और भाजपा विरोधी जो भी राजनीतिक दल है वह माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2019 में झूठ के आधार पर रोकने का असफल प्रयास कर रहे हैं। सरकार बंद पर जो भी कहे, पर बंद के दौरान मुद्दे पर विपक्षी एकता दिखाने की भी कोशिश खूब हुई। इसलिए चाहे सपा हो या आरएलडी, सब ने बढ़ती महंगाई पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बंद को जायज ठहराया। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को इतना घमंड है कि जब आज तमाम दल कहीं धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी दिन डीजल पेट्रोल और बढ़ा दिया। अगर आज सुबह आपने देखा होगा कुछ जगह पर कुछ पैसा और बढ़ा दिया। लोकतंत्र में घमंड केवल जनता निकाल सकती है और ये शुरुआत है और जैसे जैसे तारीखें आएंगी आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से जनता इनके खिलाफ खड़ी है। आज देश के सामने इससे बड़ी कोई चुनौती नहीं है। जिस तरह से आर्थिक तंगी से देश गुजर रहा है, जिस तरह से नफरत की आग जो है लगातार लगाई जा रही है, तो ये देश के लिए सही नहीं है। और देश भूला नहीं है किस तरह से जब यही लोग विपक्ष में थे, गैस के सिलेंडर को लेकर बैठा करते थे, डीजल पेट्रोल के भाव पे चर्चा करते थे, आज क्यों मौन है? आज जब उनको इतनी बड़ी बहुमत जनता ने दे दी, इतना बड़ा अधिकार दे दिया, इतनी बड़ी ताकत सौंपी है, तो वो जिम्मेदारी से क्यों बच रहे हैं? 21 सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस ने अपना दम दिखाने की पूरी कोशिश तो सरकार के सामने की ही, विपक्षी एकता दिखाकर चुनौती बढ़ाने का भी काम किया। बंद से जनता का रुख कांग्रेस की तरफ कितना होगा ये पार्टी बाद में भापेगी। फिलहाल कांग्रेस सरकार को इस मुद्दे पर घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और खबर लखनऊ से, जहां ग्राम